थ्रीपुर ट्रकावाले का बेटा अमीर बालाज इकदामे कत्ल के मुकदमे से बरी। प्रोसिक्यूशन मुलजिमान के खिलाफ इकदामे कत्ल का इल्ज़ाम साबित करने में बुरी तरह नाकाम हुई। अदालत के रिमार्क्स, अमीर बालाज और उसके पांच साथियों के खिलाफ गोगी भट्ट के घर पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज था। गवाल मंडी पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। मुलजिमान के वकील का मौकिफ, अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजिमान को बरी करने का हुक्म दिया। पेपर लीक स्कैंडल, पीपीएससी अफसरान को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। उम्मीदवारों ने लाहौर हाईकोर्ट से मुतालबा कर दिया। पीपीएससी इम्तिहानात में करप्शन का बाजार सरगर्म है। दाखिले की तारीख खत्म होने के बावजूद उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा होता रहा। बड़े अफसरान मलबा छोटे अमले पर डालकर सुरखरू होना चाहते हैं। उम्मीदवारों की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौखिफ, अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद कुर्क करने के लिए मोहलत मांग ली। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस केस की समाअत, नवाज शरीफ की जायदाद को कुर्क करने का मरहला जारी है। नैब तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिपोर्ट पेश, अदालत से मुकम्मल जायदाद कुर्क करने से मुतालिक मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत की शरीक मुलजिमान को भी रेफरेंस की कॉपियाँ फराहम करने की हिदायत। केस की समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। चीनी कंपनी का सनती यूनिट लगाने के लिए 50 एकड़ ज़मीन की फराहमी का मुतालबा। गैर मुल्की कंपनी भलवाल में टाइल साजी की सनत लगाएगी। सूबाई वजीर बराए सनत तजारत से चीनी कंपनी के नुमाइंदे की मुलाकात। मियां असलम इकबाल की गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी। और शादबाग पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। 5 मोटरसाइकिलें, 10 मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। एसपी सिटी कहते हैं मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मजीद वारदातों का इंकशाफ किया।